हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कुछ नोटिस किया मेरे अंदर? देखो, मैंने ऐसे दर्द सहन करके आई हूँ तो पता नहीं, और कुछ नोटिस किया हो तो बताना, और कैसी लग रही है ये भी बताना। और सबसे बड़ी बात, आप तो चलो अभी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मैं शाम को जो अपर लिप्स है ये बनवा के आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार देखियो तो। और आईब्रो भी बनवा के आई हूँ। मेरी आईब्रो है ना छोटी, ऊपर नीचे है, देखिए यहाँ से अलग है थोड़ा, है ना। और अभी भी यस्सु के पापा को मतलब खाना वाना बनाने लग गई आते ही इधर, और उनको भी नहीं पता कि मैंने आईब्रो बनवा ली और अपर लिप्स बनवा ली। चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं एक बार कि उनको कैसा, मतलब पता भी चलता है या नहीं चलता। नहीं पता लगेगा, देख लेना, उनसे पूछना ही पड़ेगा। जी हाँ, मेरी आईब्रो ठीक बनी है या फिर ये मूछे में जो मैंने बनवाई है ये ठीक है? देखिए, मैंने ना ये पहले वैक्स करवाया था इसके ऊपर, क्योंकि वो जो भाभी है ना उन्होंने ये कहा था कि जब खाली अगर आप धागा फिरवाओगे ना तो काफ़ी दर्द होगा, और आप पहली बार बनवा रहे हो तो वैक्स से दर्द नहीं होता। तो मैंने पहले इधर वैक्स करवाई थी, उसके बाद जो एक दो बाल रह जाते हैं ना उस पर धागा फिरवा लिया था। फिर इतना पेन नहीं हुआ मुझे, पर हाँ थोड़ा सूजा सूजा सा फील हो रहा था पहले, और इसके अलावा थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ खुद को, ठीक है। तो चलिए हम यीशु के पापा से पूछ के आते हैं कि मेरे अंदर कुछ वो अलग कुछ नज़र आया, तो वो पढ़ रहे हैं अंदर। आपने मुझे देखा ही नहीं गौर से, देखो तो कैसी लग रही हूँ, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? लगती वैसे लगोगी और क्या। अरे कुछ कुछ तो मेरे चेहरे में अंतर होगा ना, देखो आप लोगों को नजर आ रहा है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। मुझे कर ली ना मैंने मुझे कैसी लग रही है? अजीब लग रही है। नहीं, गोरी 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 लग रही हूँ, इनको मैं गोरी लग रही हूँ आज, और मेरी आईब्रो ठीक बनी है। ये ऊपर नीचे ही है मेरी, वो क्या करें? किस्मत मेरी क्या हो गया किस्मत? एक तो दर्द करवाए, पैसे लगवाए, पूरे 40 रुपए दे के आई हूँ हैं, और ऊपर से इतना दर्द सहन किया, और आप कहते हो किस्मत मेरी। क्या किस्मत खराब कर दी मैंने आपकी? देखो जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, और इन्होंने अभी तक मुझे नोटिस ही नहीं किया था, और जब खुद से पूछने आई है ना तो कह रही है कि आडी टेढ़ी आईब्रो वाली बहू है, किस्मत है इनकी। कितनी देर और पढ़ोगे बता दो ना। ओहो, मेरे को तो मेहंदी और लगानी है आज। क्या है कि कल का दिन है, कल दूसरे हाथ पे लगवानी है, अभी एक हाथ पे मैं खुद से लगा लूँगी। क्या है कि परसों सिंधार आया है और फिर तीज है, तो त्योहारों के टाइम पे मेहंदी लगानी चाहिए ना। और मतलब जब वैसे तो हमारे यहाँ पे मेहंदी लगाना, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो मेहंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके मैं चली जाती हूँ वरना डांट मार देंगे कि मैं तो पढ़ रहा हूँ और अपनी राम कहानी लेके बैठ गई। जा रही हूँ, जाऊँ क्या जाओ। बाय तो बोल दो। गुड नाइट बोल रहा हूँ। तो इधर मुंह करके बोलो ना, देख आप कैमरे में देख के बोलो गुड नाइट जी। गुड नाइट जी मेरे को मेरे को बोल रहे हो तो मेरे को तो वहीं आके बोल देना। नहीं नहीं, अभी मैं वैसे भी सोने वाली नहीं हूँ, एक हाथ के लगा लेती हूँ और दूसरे हाथ के बाद में लगाऊंगी, मतलब दूसरा तो कोई और ही लगाएगा। हमारे जो पड़ोस में छोटे छोटे मतलब लड़कियां हैं, इनको लगानी आती है तो वो लगा देंगे, और एक हाथ के मैं खुद लगा लूँगी। ये वाला लाइट ऑन कर देती हूँ मैं। और पता है हमारे मेहंदी लगाते तो नहीं थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन अभी मुझे तो पता नहीं था,
और क्या है कि यसु के टाइम पे मैंने तो लगाई, और फिर अभी किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी आंट तो खुल चुकी है, मतलब जब पहली बार लगाया तभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो तुम लगा सकते हो और त्यौहार है, अच्छा है, शुभ है, तो आराम से लगाओ और थोड़ा सा पहले निकाल देना, मतलब वो 7 बिंदिया टाइप में तो थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, तो मैं वो निकाल देती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ मेहंदी, ठीक है, क्योंकि सावन में 30 पे सिंधारे पे मेहंदी नहीं लगाई तो कब लगाई, नहीं तो मैं लगा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का काम किया था, देखो अभी चली रही थी, धुलवा दी मेरी मेहंदी कि मम्मा इसको धो के आओ। क्या साफ कर दिया, और टाइम हो रहा है 12:30, ना ये सो रही है ना सोने दे रही है, और देखिए यहाँ पे नेल पेंट गिरा दिया इसने, पूरी सीसी फोड़ दी इसने, किसने क्या, अरे ये पूरी देखो अब चादर खराब ही हो जाएगी, इस चादर का क्या करूँ मैं, साफ हो गया ये है? हाँ। मम्मा की मेहंदी क्यों धुलवाई आपने, मिट्टी खाएगा तू, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी फिलहाल हम मतलब मंदिर जाकर आए हैं, और अभी ये कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, सुबह अभी स्कूल जाएंगे ना, और बाकी सब लोग पी रहे हैं चाय, और मैं भी अभी पी रही हूँ चाय, आज मेरा तो व्रत है, और सब लोग स्कूल जाने के बारे में सोच कर रहे हैं, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बस जाना बाकी है। देवर जी तो गए शायद, नहीं गए हैं अभी, वो उधर लेट रहे ना धो के, आप भी चाय पी लीजिए, और यसु सो रही है, घर का सारा काम बिखरा हुआ है, ये जाने के बाद में शुरू करेंगे, आपको पता ही है, नहीं और है ना, सच में मेरी आईब्रो ना टेढ़ी मेढ़ी कर दी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है इधर से और इधर से, है ना जी, इक्वल नहीं करी उन्होंने, ये देखो मैंने अभी सुबह देखा कि ज़्यादा ही वो कर दिया, यहाँ से एक कट मार दिया, इधर और आना चाहिए था थोड़ा सा, या फिर इधर को थोड़ा सा करना चाहिए था, आपको भी लग रहा है ना, देखो ऐसे गौर से देखते हैं ना तो लगता है ये ऊपर है ये नीचे है, चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई नहीं क्या जी, अगली बार देखेंगे घर की खेती है, हाँ अगली बार देखेंगे घर की खेती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में इनको स्कूल भेजने के बाद में काम के टाइम पे। हाँ तो जी काम हो गया है लगभग ख़त्म, और यसु भी नहा चुकी है देखिए, और एक बार इसको दूध पिला दिया, अब इसको कुछ खिलाऊंगी, क्या है कि ये लेट ही उठती है, पता है आप लोगों को लेट सोती है लेट उठती है, तो खाली इसको अभी दूध ही पिलाया है, और पोटी वोटी करा के सिर्फ नहलाया है, और अब इसको खाना खिलाऊंगी। तो जी काम तो दिन भर ऐसे ही चलता रहता है, और मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो सोचा कि बता ही दूँ, वेट नहीं हो रहा था मेरे से, तो आप लोगों ने जो मैसेज किए कल, बिल्कुल सही मैसेज किए हैं, क्या है कि अब जो देवर जी के लिए जो रिश्ता देखा था हमने, वो मतलब पक्का ही कर दिया है, मतलब लड़की पसंद आ गई, उनको लड़का पसंद आ गया, तो ये रिश्ता मतलब पक्का हो गया है, और आगे जो आने वाले ब्लॉग्स हैं उनके अंदर देखेंगे आपकी आगे सगाई शादी जो भी चीज़ें होती हैं ना, सारे फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगी लाइव, ठीक है, मेरे साथ में, आप भी मेरी फैमिली है तो आप भी साथ रहिएगा, है ना, और इसके अलावा क्या यसु पिग है, यूँ कह रही है पापा पिग देख रही है, ये तो वो मम्मा पिग है, वो पापा पिग है, और ये यसु पिग है, ये क्या हो आप बेट, अच्छा उसका नाम है डैडू पिग, आपका नाम क्या है, मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो बेटा, मुझे उंगली बाहर निकालो यसु, यशो तो जी ये तो अपने कार्टून में मस्त है, और मम्मी जी थोड़ी देर बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर ऐसे किस यहाँ बाजू में हवन था तो
तो हवन ने मम्मी जी भी गए हैं सुबह सुबह। तो जी जो बात थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि अब जो आगे आने वाला सीज़न है सर्दियों का, उसमें शादियाँ ही शादियाँ होंगी, जिनमें हमारे घर पे भी शादियाँ हैं, तो हम मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे नई बहू से, नहीं मेरी देवरानी से। और पता है एक बात बताऊँ, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि जैसे मेरी बहन है रेनू है, उसके अलावा मौसी की जो लड़कियाँ हैं उनकी जो शादी हुई है वो सभी छोटी हैं, अकेली जेठानी मैं ही बनूँगी, बाकी सभी देवरानियाँ हैं। यार ये कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, उसने उल्टी सीधी बना दी, इतना तो नहीं होता है ना आईब्रो में। अब मैं खुद को भी देख रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो कोई नहीं, पर वो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देवरानी आएगी, और मतलब एक अच्छी एक अलग सी फीलिंग है। और मेरे से छोटा कोई इस घर में आएगा अभी तक तो मतलब छोटा कोई दिखा नहीं है, क्योंकि सभी बाहर चले जाते हैं पता ही आपको, तो छोड़ छोड़ के नहीं शाम को घूमने एक दूसरे को ढूंढने निकलते हैं कि मैं वो गया है बाहर, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ, दोबारा वो भी नहीं आता वापस। और जब लगभग 10:30 बज जाते हैं तब सब लोग आते हैं, 9, 9:30 इसके बीच में टाइम है इनके आने का घूम घूम के सबके। यस्सु भी चली जाती है, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए मेरे साथ देने वाला कोई तो इंसान आ जाएगा नहीं। आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और वीडियो को पक्का से लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप देवरानी हैं या जेठानी, ठीक है। और मतलब ज़्यादा मज़ा किस में आता है, देवरानी बनने में या जेठानी बनने में, है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।